हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट इसरो एग्जाम पेपर। आप सभी को पता है 14 जुलाई 2021 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टेक्नीशियन बी का आप लोगों का एग्जाम पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग एग्जाम पेपर जाने से पहले अपने साइकोलॉजी को ठीक करें। बिकॉज रीजन क्या है, देखिए आप लोगों का सिलेक्शन इसरो में होना है या फिर नहीं होना, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आप लोगों के कॉम्पिटिटर जो है की तैयारी किस लेवल की है, आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो उस टाइम आप लोगों की माइंड की कंडीशन कैसी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा। जब आप लोग कोई एग्जाम दिए होंगे, आप लोगों के साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कई क्वेश्चन आते हुए आप लोगों के रॉन्ग हो जाते हैं। जब आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो देन आप उन क्वेश्चन को रिपीट करके देखते हो, जब आप लोगों को रियलाइज होता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया, बट मुझे ये क्वेश्चन आया था, मैंने एक्चुअल में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, फिर भी मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या मिस्टेक एक्चुअल में हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हम लोगों के रॉन्ग हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। सबसे फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट्स होता है, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, मैंने सारे सिलेबस को कवर किया है, मेरा इसरो में सिलेक्शन होना तय है, बहुत अच्छा पेपर जाना है, पहले से इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और वहां पर वो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करता है एक्चुअल में, जब आप क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हो वहां पर क्या है, जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को ओपन किया, सीबीटी एग्जाम में देखा स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन देखा, और वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन मिले, क्योंकि टेक्निकल में एक लिमिटेड सिलेबस है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट कुछ कुछ चेंजेस होते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो आप लोग वहां से क्या करने लगते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया टिक किया, सेकंड आया टिक किया, थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ा टिक किया, लेकिन जब आप चौथा और पांचवा और छठवा क्वेश्चन देखते हो वहां पर क्या है, वहां पर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा, वही क्वेश्चन रिपीट है, जबकि वहां पर यदि आप उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को नोटिस करना है एग्जाम हॉल में बैठते टाइम, देखिए आप एक टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के पास में टाइम सफिशियंट है, आप लोगों के एग्जाम पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए बहुत बढ़िया 2 घंटे का समय आप लोगों को मिल जाएगा जो कि सफिशियंट है। देखिए आप लोग एक टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल एग्जाम देते टाइम आप लोगों को टाइम का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज रीजन क्या है, यदि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, यदि वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो रहा है, देन आप लोगों को राइट आंसर टिक करना है। वहां पर आप लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है या कुछ माइंड नहीं लगाना है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन देखना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है। तो टाइम का यहां पर कहीं से कहीं तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप लोगों को 80 क्वेश्चन यहां पे टोटल पूछे जाएंगे और जो 80 क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैक्सिमम आप लोगों को 60 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे, 20 क्वेश्चन में टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। तो ऑलरेडी हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम डीपली नहीं जाएंगे। तो यहां पर पहली मिस्टेक आप लोगों को क्या नहीं करनी है कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं यदि आप लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो, कम से कम 80 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप जल्दबाजी में रॉन्ग करके आओगे, देन आप लोगों को बाद में जो मेरिट बनती है ना, एक एक नंबर आप लोगों के लिए भारी पड़ जाता है। सेकंड क्या है, सेकंड यदि आप लोग जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो क्या पहले से उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक्चुअल में तैयारी अच्छी है, उन्होंने सिलेबस को कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया है, एग्जाम पैटर्न को समझ के तैयारी करी है, बट वो कहीं ना कहीं इससे पिछले क्वेश्चन पेपर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो अपने आप में नर्वस हो जाते हैं और नर्वसनेस लेके जब आप लोग वहां एग्जाम पेपर हॉल में बैठोगे तो वहां पर डेफिनेटली आप लोगों का माइंड पहले से डिस्टर्ब है, तो आप लोगों की मिस्टेक होना स्टेट होंगे। और यदि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में बाय द वे ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ ही नहीं रहे, तो वहां से और ज्यादा माइंड जो है प्रेशर में आ जाता है और जो पीछे वाले जो आप लोगों के सारे आते हुए क्वेश्चन भी
कहीं ना कहीं आप लोग रॉन्ग कर जाते हो। तो करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है, आप लोग जब एग्जाम हॉल में जा रहे हो आप लोगों को आउटकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपने अपनी ईमानदारी से अपने एग्जाम सिलेबस को टोटल कवर किया है, आपसे जितना इफॉर्ट हो सकता था एग्जाम से पहले आप लोगों ने दिया है, ये ईमानदारी से यदि आप अपने आप से बोल सकते हो तो आप इजीली अपने आप उतना कॉन्फिडेंस रह सकते हो कि मैं हाँ एग्जाम देने जा रहा हूं, जितना मेरे से हो सकता था मैंने अपना एफर्ट लगाया, अब जो है रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है बट मेरे हाथ में है कि मैं उसको सही अंजाम दूं। आपने वो लोगों ने पढ़ाई किस लिए करी कि भाई आप लोग एग्जाम पेपर दे रहे हो तो प्रॉपरली वहां पर राइट टिक कर सको। आप लोगों को कितना नॉलेज है कितना नॉलेज नहीं है उसके ऊपर आप लोगों का सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा, सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि एग्जाम हॉल में जब आप लोग एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, राइट। तो इस चीजों के ऊपर आप लोगों का जो है सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो सेकंड चीज, आप लोगों को भाई नर्वस भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। गाइस अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 80 रहेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 120 मिनट का समय मिलेगा, राइट। तो देखिए यहां पर 120 मिनट आप लोगों के लिए काफी है बिकॉज यहां पर 80 क्वेश्चन में से यदि हम लोग बात करते हैं यहां पर 60 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल रहेंगे। 60 क्वेश्चन क्या रहेंगे भाई, टेक्निकल रहेंगे आप लोगों के, और 20 क्वेश्चन लगभग आप लोगों के इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, उन क्वेश्चन को हल करना है जो आप लोगों को इजीली आ रहे हैं, यानी कि टेक्निकल पार्ट को सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। देन आप लोगों की यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि गाइस आप लोग 4 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हो बाय द वे, और यहां पर 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो जाते हैं लेकिन 1 क्वेश्चन का तुक्का बाय द वे आप लोगों का राइट हो जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन का सारा नेगेटिव मार्किंग को कवर करके आप बराबर में आ जाओगे। लेकिन तुक्का किन क्वेश्चन का लगाना है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों को क्लियर है, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कतई उसमें आप लोग तुक्का नहीं लगाओगे क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप लोगों का वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा तुक्के में। यदि कैलकुलेशन आप लोगों का निकल रहा है तो आप लोग उसका आंसर लगाओगे। सेकंड चीज, अब आते हैं हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन में, वाई दफ कोई डाउट वाला क्वेश्चन आप लोगों को फंसता है, तो कोई क्वेश्चन है मान के चलिए उसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन है A, B, C, D। अब यहां पर आप लोगों को क्या चीज क्लियर हो जाती है, जब आप कोई टेक्निकल क्वेश्चन को पढ़ते हो वहां पर उस टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को 2 ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियरली ऐसा नजर आ जाएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो इसके रॉन्ग ही है क्योंकि ये टॉपिक से ही मैच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक। थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों को, टेक्निकल इतना क्लियर किया है मैंने सारे तरीके से, तो 2 क्वेश्चन आप रिजेक्ट कर देते हो तो अब आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, वहां पर आप लोगों की विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50% हो गई, मे बी 50% आप राइट हो जाओगे 50% आप रॉन्ग हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को तुक्का लगाना है, जब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो मुझे क्लियर है बट मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं कि हाँ भाई इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मेरा राइट हो सकता है, मे बी ए ऑप्शन हो या फिर बी ऑप्शन हो, तो इसी कंडीशन में आप लोगों को तुक्का की ओर जाना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में तुक्का लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, वहां पर आप अपना 1 मार्क्स खो दोगे, राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अब यहां पर सर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या रीजन है, पूरे क्वेश्चन हल करके आए या फिर ना आए, देखिए यदि आप लोगों ने टेक्निकल की तैयारी करी है जिस प्रकार मैंने तैयारी इसरो की कराई है या कोर्सेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, यदि एक पर्टिकुलर लेवल पर आप हो टेक्निकल में तो इतना मैं डेफिनेटली इनर कोर से आप लोगों को बोल सकता हूं कि जो 80 क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं वाय दफे इन 80 क्वेश्चन में से वो 60 क्वेश्चन टेक्निकल पूछता है, तो इन 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप लोगों को
कंफर्म इनका आंसर पता रहेगा। इन 40 क्वेश्चन में से, अब इन 60 क्वेश्चन में से भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे गाइस, जहां पर आप लोगों को आंसर पता होगा बट थोड़ा सा डाउट होगा उन आंसर में, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल की यदि अच्छी तैयारी है वो उन क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करोगे। तो इस प्रकार कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो 40 क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स करने वाले हैं, बाकी 10 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन करेंगे सभी स्टूडेंट्स, आंसर सभी स्टूडेंट्स देंगे, बट रीजन क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के इनमें से 2-4 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, किसी का यहां पे 10 में से 10 करेक्ट होगा। तो इस प्रकार का सिनेरियो मैं पेपर में देख पा रहा हूं। बाकी जो 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे, यदि आप लोगों ने, जैसा मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया है कि भाई मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ कुछ टॉपिक क्लियर करें हैं, फिजिक्स से थोड़ा बहुत आएगा, तो वो आपने यदि कवर किया है तो डेफिनेटली ये 20 क्वेश्चन में से भी आप 16 या 19 इस प्रकार के आराम से लेकर आओगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट नहीं आते हैं, वो नॉर्मल आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहने वाला है, तो आप लोगों को चांसेस इज वेरी हाई कि मैक्सिमम स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल वो आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा हो, क्योंकि एक सिलेबस लिमिटेड है भाई, टॉपिक तो वही है ना, माइक्रोमीटर के बारे में पूछेगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो लग जाएगा कि ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, बचा हमारे पास सी और डी, तो आप उसका राइट आंसर लगा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों को एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि सारी चीजों को फोकस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस रखना, पेपर में जल्दबाजी नहीं करना है। टाइम 120 मिनट टाइम की बात करें 80 क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा टाइम है भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को टाइम से रिलेटेड, किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा एग्जाम जो है सबमिट नहीं कर पाया, मेरे पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए, ऐसी नौबत नहीं आने वाली है। बिकॉज रीजन क्या है, 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो आप 30 मिनट से भी कम टाइम में, 20 मिनट में उसके राइट आंसर लगा दोगे, बाकी क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना है। तो पहले क्या करना है, आते हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है आंसर, देन उसके बाद जो कंफ्यूजन वाले हैं उनको टिक करना है, उसके बाद कैलकुलेशन जो है सारे चीजें कर लेना है। तो ऐसा आप लोगों का सिनेरियो कुछ रहने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज रोल अदा करेगी कि आप लोग माइंडसेट क्या है आप लोगों का, तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है एग्जाम पेपर को लेकर, डिप्रेस्ड नहीं होना है भाई, नॉर्मल रहना है। जैसे कि आप किस प्रकार एग्जाम पेपर को देना है, जैसे कि आप कोई मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, यदि उस तरीके से एग्जाम पेपर को देंगे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको जितना नॉलेज है उतने आंसर आप लोग एग्जैक्ट टिक कर पाओगे। सो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, यदि कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।